हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही काम की वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें अगर आप यूज करते हो तो आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ही ज्यादा आसान। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कमेंट के साथ दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला टिप है यहाँ पर तेल को लेकर, यानी हम कोई चीज फ्राई करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो करछी होती है वो गीली होती है, हम इसको कपड़े से पोंछ लेते हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर पानी लगा रह जाता है, और जैसे ही हम कुछ भी फ्राई करने की कोशिश करते हैं तेल जो है ना कूद कर इधर उधर गैस के बिखर जाता है, कभी कभी तो हमारे हाथों पे उसके छींटे भी आ जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई चीज फ्राई करने जा रहे हो तो दूसरी साइड गैस को आपको जलाना है, और इसको जलाने के बाद इस तरह से ना करछी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, जिससे पानी अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो वो ना अच्छे से सूख जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस गैस पे इसको अच्छे से सुखा लिया है, और इसके बाद क्या करेंगे हम, आप चिप्स या फिर पकौड़ी या पूड़ी कुछ भी बहुत ही आसानी से भून सकते हो। आप देखोगे बिल्कुल भी तेल छिटक कर आपके हाथों पर या कढ़ाई के बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाला टिप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो इसको एक बार से जरूर से ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों गर्मी का मौसम आते ही हमारे घर में आ जाते हैं मक्खी और मच्छर, जिनसे हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, जिससे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे जाली का दरवाजा भी खुला रह जाता है और मक्खी और मच्छर हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। ज्यादातर शाम के टाइम पर मच्छर जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखिए नहाने वाला आपको साबुन ले लेना है, और साबुन लेने के बाद आप अपनी जो भी जाली के दरवाजे वगैरह है ना, खिड़की वगैरह पे इस तरह से लगा दीजिए। इसे आप देखोगे कि कोई भी मच्छर वगैरह है ना शाम के टाइम पे, या जैसे भी दरवाजा खुलता है खुला रह जाता है तो अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दोस्तों हमारे घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे ब्लाउज या बच्चों की ड्रेस वगैरह, जिसपे इस तरह से हुक लगे हुए होते हैं, और थोड़े ही दिनों के बाद ये जंग पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए एक यूजफुल टिप बता रही हूँ, जिससे आपको ना ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। आपको लेना है यहाँ पर नेल पेंट, और नेल पेंट आपको ट्रांसपेरेंट ही लेना है। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से जो हुक वगैरह है उन पर अच्छे से लगा लीजिए। नेल पेंट बहुत ही पक्का होता है, इतनी जल्दी से छूटता नहीं है, और जहां पे भी आप लगा दोगे ना वो अच्छे से सूखने के बाद आप देखोगे बिल्कुल जंग वगैरह कुछ भी इसके ऊपर नहीं आएगी। नेल पेंट हमने ट्रांसपेरेंट इसलिए यूज किया है जिससे ये दिखाई नहीं देगा। अब देखिए इस तरह से इसको लगाने के बाद इसको बढ़िया से आप सुखा लीजिए और इसको यूज करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जंग नहीं आएगी, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। तो जरूर से यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टिप है। तो आपने चकला बेलन यूज करके पूड़ियां तो बहुत बनाई होगी, लेकिन आज हम पूड़ी बनाने जा रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से, जिसमें हम चकला बेलन का यूज नहीं करने वाले हैं। किस तरह से बेलेंगे हम आज ये पूड़ियां आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको लेना है ग्रेटर। अब ग्रेटर पे इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के चिकना कर देंगे, और साथ ही ये प्लेट है ना इस पे भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, और इसके बाद एक लोई लेंगे और लोई को इस तरह से तोड़ लेंगे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से प्लेट लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से दबा देना है। इससे आप देखेंगे आपकी जो पूड़ी है वो भी बेल जाएगी, और उसपे बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन बन जाएगा। यहाँ आप देख ही सकते हो कितना प्यारा सा डिजाइन बन के हमारा तैयार हो गया है। और अगर आप प्लेट की सहायता नहीं लेना चाहते तो प्लेट को भी हम साइड कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए इस तरह से लोई ले लेनी है, और यहाँ आप अपने हिसाब से जितनी भी बड़ी आपको पूड़ी चाहिए उस हिसाब से ये पूड़ी बनाकर तैयार कर सकते हो, छोटी बड़ी वो सब आपकी मर्जी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। एक बार हम इस प्लेट को रखेंगे जिससे जो हमारे पंजे के निशान बन गए हैं ना वो अच्छे से हट जाएंगे, और ये देखिए दूसरी पूड़ी भी हमारी यहाँ पर बन गई है। अब फटाफट से क्या करते हैं ना, इनको फ्राई भी कर लेते हैं, जिससे मैं आपको दिखा पाऊं कि ये जो हमारी पूड़ियां बनके तैयार हुई हैं कैसी लगती हैं देखने में। तो ये देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर पूड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं हमारा जो डिजाइन है वो कितने अच्छे से उभर के आया है। खासकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे तो बड़े शौक से ये चीजें खाते हैं, अगर नहीं खाने को होंगे ना तब भी वो दो दो तीन तीन पूड़ी आराम से खा लेंगे।
ये देखिए आप लोग, कलर भी कितना प्यारा आया है। और आप लोग चाहे ना तो इसके अंदर कोई भी स्टफिंग वगैरह भी भर सकते हैं, जैसे आलू की पिट्ठी वगैरह हुई या गोभी वगैरह हुई, मतलब जैसा भी लोग खाते हो। और इसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को आप इसको खाने को दे दीजिए, आप देखेंगे ना फटाफट से जितनी भी पूड़ियां हैं वो सब एकदम फिनिश कर देंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह की अलग अलग डिजाइन की चीजों को खाने में। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक, तो इसको जरूर से आप फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा ये पसंद आएगा। दोस्तों अगली ट्रिक में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप बिना चकला बेलन के बहुत आराम से रोटियां बेल सकते हैं। कई बार हमारे पास चकला बेलन गीला पड़ा होता है या हम कहीं सफर में जाते हैं तो हमें बहुत टेंशन होती है कि रोटियों को हम कैसे बेलें। तो सबसे पहले आपको एक पेड़ा ले लेना है और इस तरह से गोल गोल से कर लेना है, और इसको ना थोड़ा सा हम सूखे आटे में लपेट लेंगे। सूखे आटे में लपेटने के बाद ये देखिए बीच में आपको इस तरह से अंगूठे को रखना है और इसे इस तरह से फैलाते हुए चले जाना है। जब आप इस तरह से फैलाओगे तो आप देखोगे आपकी जो रोटी है अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उनकी मम्मी दादी नानी को इस तरह से करते हुए, तो बस वही वाली ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आधी रोटी तो देखिए लगभग हमारी यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे ना तभी हाथों से बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस तरह से हाथों पे रखकर इसको उलट पुलट देंगे, जिससे ना जो हमारे उंगलियों के निशान इस पे बन गए हैं वो पूरी तरह से मिट जाएंगे और रोटी हमारी बनके हो जाएगी तैयार। तो देखिए आधी रोटी तो हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है, और बस थोड़ा सा मैं इसे उलट पुलट देती हूँ जिससे ये निशान है वो भी मिट जाएंगे और थोड़ा सा रोटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हो, मतलब जितनी भी बड़ी आप इसे रखना चाहो। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी रोटी बनकर हो गई है तैयार, और कितनी गोल बनी है आप देख ही सकते हैं। तो बिल्कुल इसी ट्रिक का यूज करके आप ढेर सारी रोटियों को बना सकते हैं अगर आपका चकला बेलन गीला पड़ा है या फिर कहीं आप सफर पे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों कई बार हमारे पास इस तरह के नॉनस्टिक बर्तन होते हैं और इन बर्तनों में कुछ ना कुछ चिपकता ही रहता है, तो आप कुछ भी चीज इस पे अगर बना रहे हैं जैसे चीला रोटी, तो आपको क्या करना है इस तरह से प्याज का एक टुकड़ा ले लीजिए और इस तरह से आप क्या कीजिए इसके ऊपर लगा दीजिए। अब आप इस पे चीला रोटी जो भी बनाना चाहें उसको आपको इस तरह से फैला देना है। इस छोटी सी ट्रिक से आप देखोगे कि जो नॉनस्टिक का बर्तन आपका जो भी चीज आप डालते थे इस पे चिपक जाती थी, तो बिल्कुल भी वो चिपकाने वाला नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप इसी तरह से लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जरूर से इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक का बर्तन नहीं है ना तो वो भी बिल्कुल प्याज की रस इस तरह से लगाएंगे तो नॉनस्टिक की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप यूज करते हो तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, होगी तो सिर्फ बचत ही बचत। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, कल फिर से मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।